अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो मुझे आज गिफ्ट मिला है घर, एक छोटा सा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कौन सा घर मिला है और कितनी जगह है वो। और जिधर मैंने सोचा है कि मैं बच्चियों को ना फ्री में सिलाई सिखाऊँ और छोटा सा मैं सिस्टम करूँगी इसका। तो आइए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जगह है और क्या क्या कुछ बना हुआ है और क्या कुछ बनाने वाला है। तो मैं आप आज लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, ये पहले सबसे पहले तो नूर के बाल देखें, बिखरे हुए, अभी सो के उठ के आई है ये। इसने ना मुँह धोया है, अभी नाश्ता किया आपने है? नहीं किया। अभी इसने नाश्ता भी करना है और मैं इनको लेके आई हूँ। वो इसका मेन दरवाज़ा है और ये है वो सीढ़ियाँ जो कमरे के ऊपर जाती हैं, और ये नीचे है जगह थोड़ी सी है, यहाँ से लेके बस एक कमरे की जगह है यहाँ पे। तो एक कमरा ये बना हुआ है और ये यहाँ पे ना, ये किराए पे दिया हुआ है हमने, किराए पे रह रहे हैं बंदे जो, तो उनसे हम करवाएंगे खाली 2-3 माह तक। तो फिर मैं इसकी सेटिंग वगैरह करूँगी। ये देखें, ये कमरा है और वो इसकी खिड़की लगी हुई है, और ये उन्होंने ये लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे, वो करते हैं खाना शाना बनाते हैं। और ये है इसका वॉशरूम, ये सारा कुछ मैं सेट करूँगी। देखें अंदर से भी देखते हैं ये कैसा है, खोलें ज़रा। ये देखें जी, ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम जो किराएदार होते हैं ना, वो ऐसे ही दिए। देखिए इसका टॉवल टांगा हुआ है, और ये भी देखें, ये ऊपर इसके चादरें डाली हुई हैं वॉशरूम के ऊपर, बस गुजारा किया हुआ। और जिधर मैं खड़ी हूँ ना, इससे नीचे ये देखें, ये दीवार की हुई है ना, दीवार ये वाली। और ये देखें नीचे कितनी गहरी जगह है, वो यहाँ तक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन एक कमरे की आगे जगह है। तो वो जो है ना, एक मैं बनाऊँगी कपड़े सिलाई करने के लिए, और छोटा सा इधर बन जाएगा एक किचन। और वहाँ पे ये देखें इसके काम, वो जो दरवाज़ा है ना, उधर बेसन वगैरह लगवा लूँगी। और ये इनका नींबू का दरख्त है हमसायों का, मेरी देवरानी का, तो वो भी हमारे सेन में आए हुए, चलो नींबू शिम्बू तो खाएंगे ना। और वो देखें, वो सामने इसके माल्टे भी लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं, उस दिन भी मैंने आपको दिखाए थे। और ये मोटी मोटी लकड़ियाँ ये भी उठाएंगे, और ये उस दिन मैंने मिट्टी फेंकी थी, तो ये बच्चों को साथ लेके मिट्टी फेंकी थी। और ये आज मैं सीधी थोड़ी सी करने आई हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी इसको स्ट्रेट वगैरह कर लूँ, इतना तो वो नहीं है काम, लेकिन है सही। मैं आपको ये कमरा भी थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ, मैंने खोला तो नहीं है लेकिन आज मैं दिखाती हूँ आपको। उनसे मैंने चाबी लिया, मैंने कहा मुझे दिखाना, ये खोलें इसके साथ, ये जो इसकी चाबी ये वाली है, इसके साथ खोल दें, देखते हैं खोलती है, खोल सकती है कि नहीं। खुल गया, चल जी। वाह, ये है वो कमरा, ये देखें इन्होंने ये चूल्हा रखा हुआ है, और वो आटे वाली, और ये किचन है, ये घड़ा भी पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है, और इनकी ये देखें 2-4 पाइयाँ पड़ी हैं, और टेबल पे उन्होंने वो टपाई पे छोटा छोटा सामान रखा हुआ है, और एक चारपाई इनकी ये है, वो इनका कंबल पड़ा हुआ है, तो ये इनका सिलेंडर पड़ा हुआ है, और लकड़ियों वाला चूल्हा भी है, और ये चूल्हा भी है। और ये देखें इनके किल्ली के साथ कपड़े टांगे हुए। चले जी आज बंद कर दें। ये देखें ये किल्ली लगा के इन्होंने ये भी कपड़े टांगे हुए अपने। तो ये है कमरा जो मैंने सेट करना है। हाँ। क्या ये क्या लेके आ गई? छोटी आपने सलवार सिली है, तो ये छोटी सलवार सिली है तो 2 इंच लंबा कर लगा दो बस, लगा डाला उल्टा। यहाँ पे ये रोटी छोटी बनाते हैं, और ये देखें इनकी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर भी ये चादर डाली हुई है, ये भी हटानी है, फिर ऊपर लेंटर डाल के, तो एक ही बना के
वीआईपी बना के, तो फिर मैंने 2-3 माह तक तैयार कर लेना है। तैयार कैसे करना है, मैंने सिलाई वगैरह करके ना, सिलाई वगैरह करके, तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे ना पैसे, तो थोड़ा थोड़ा मैं काम करती रहूँगी। तो अभी एकदम से पैसे मेरे पास इतने नहीं है कि मैं एकदम से इसको खड़ा कर लूँ मकान को, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। मौसम भी बहुत अच्छा है, मेरी आंटी अभी वो तोड़ रही है। ये क्या लगा हुआ है? ये क्या मिर्चों का बूटा? हाँ हटो नूर आगे से मैं। ये पुदीना है और नहीं पुदीना ये। पुदीना मुझे दे दे बूटा, ये मैं अपने घर लगा लूँ। पुदीना कहती है पुदीना। ओ मैंने तो फिर वो निकाल ही दिया। मिर्चों का भी बूटा लगा हुआ है, देखिए इन्होंने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है। चले मेरे ताई आप कर, मेरी आंटी मिट्टी फेंक रही है, साथ तो मेरी बहन खड़ी हुई है। देखो जूती मेरी पहनी हुई है नूर ने, थोड़ा सा तो करे। ये उस दिन हमने फेंकी थी ना, सारों ने मिल के फेंकी थी। अब जो भी इसमें कूड़ा कूड़ा हुआ करेगा ना, तो वो इधर फेंकती रहूंगी, तो कहते हैं कि कचरे कचरे से दरिया बनता है। पहले मैं गिर गई थी, तो आप अपनी जिस्म की मैं ऊपर खड़ी हुई, पहले यहाँ से गिरी हुई, यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से जाके नीचे गिरी। अब मैं यहाँ पे खड़ी होती, यहाँ से नहीं गिरूंगी ऊपर। देखिए मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। देखिए यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हमारे घर जरूर है। ऐसे कैसे करेंगी अकेली होके? मैं अब नीचे जा रही हूँ, वो भी यहाँ से मैं नीचे उतर रही हूँ। अल्लाह कितने वाली थी फिर उधर थोड़ा सा। मुश्किल है ना, देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ। हमारे नींबू भी लगे थे, तो दरवाजा बंद कर दे। मैं दरवाजा बंद, देखिए इतने मुश्किल से उठाना होता है। ऐसे कर रही हूँ ना, बाहर से सब लोग देखते हैं, देखिए कितने मुश्किल है। ये 3-4 दिन हो गए हमने किया था, सही हफ्ते वाले दिन किया था ना, हफ्ते वाले दिन किया था, हफ्ते वाले दिन किया था। लोगों को छुट्टी थी। चाबी देखें,
थोड़ा सा तो कर लिया है, बस गुजारा हो गया है। वो देखिए वहाँ से तोड़ी है। नहीं करो, मैंने वो ले लिया। उधर से अभी भट्टे भी लेके आने। कहाँ से? वो ऊपर से वो पड़े अच्छा कैसे लेके आएंगे? यहाँ से बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह नींबू लगे थे, तो मेरी आंटी ने कहा चलो मैं तोड़ लेती। मैंने हमने कहा चलो तोड़ ले, कुछ नहीं होता। वो देखिए मेरी बहन आई है, दरवाजा बंद कर दो। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये मुझे मिला है गिफ्ट है। ओके।